दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छी है। तो आज हम आगे एक चैप्टर लेकर क्लास 6 का जो चैप्टर से एक पोएम है, ए हाउस अ होम, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छी तरह से इसको डिस्कस करेंगे एंड लाइन बाय लाइन इसको मीनिंग भी बताएंगे और जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी जो वर्ड मीनिंग से जो शब्द अर्थ है उसको भी दिया गया है। आप अच्छी तरह से ध्यान से देखो, इसको समझो तो आपको अच्छा ही लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, ए हाउस एंड ए होम। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम? एक हाउस किसको कहता है, एक होम किसको कहता है, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो भी बोलना है। तो पहले जो स्टंजा दिया गया है, तो फर्स्ट स्टंजा में हाउस के बारे में कहा गया है एंड द सेकेंड स्टंजा होम के बारे में यहाँ पे लेखक ने, ऑथर ने कहा गया है। तो इस कविता का जिन्होंने लेखक है वो लॉरेन एम हल्ली, उन्होंने लिखा है लॉरेन एम हल्ली, तो उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो डिस्कस इन योर पार्टनर विथ योर पार्टनर देन रीड द पोएम। तो पहला ही यहाँ पे जो इंटरोगेटिव मार्क्स है पूछा है, देखिए पहला जो सवाल, पहला जो लाइन दिया गया है वो इंटरोगेटिव है। व्हाट इज अ हाउस, पहला क्वेश्चन करता है जो हाउस किसको कहते हैं, व्हाट इज ए हाउस, है ना। तो पहले ही सवाल किया गया है कि मकान क्या है, मकान क्या होता है, व्हाट इज ए हाउस। तो हाउस का मतलब रहने का मकान है, रहने का मकान। तो उसके बाद उन्होंने ही जवाब दिया, जो लेखक जो सवाल जो खुद को किया था उस खुद का सवाल का जवाब भी खुद ही दिया। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा इट्स अ ब्रिक। तो पहला दिया गया था व्हाट इज़ अ हाउस, तो हाउस किसको कहते हैं, व्हाट इज़ अ हाउस या मकान किसको कहते हैं ना, इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन, इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन। मतलब ब्रिक का मतलब ईंट होता है, स्टोन का मतलब पत्थर। इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, एंड वुड दैट्स हार्ड। वुड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो वुड है वो आपका लकड़ी हो गया और हार्ड का मतलब है, हाँ हार्ड है, कठोर, वुड और दैट्स हार्ड। सम विंडोज ग्लास, विंडो ग्लास, ग्लास मतलब शीशा, एंड परहैप्स अ यार्ड, इट केव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टक्कू एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। तो यहाँ पे जो पहला जो यहाँ पे चैप्टर जो पहला जो संज्ञा है वहाँ पे पहला सवाल उन्होंने किया जो व्हाट इज़ अ हाउस, उसके बाद उस सवाल का उन्होंने आंसर भी दे दिया, जवाब भी दे दिया। इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडोज ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, एंड इव्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टक्कू एंड रूफ्स एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। तो मकान क्या है, ये एक ईंट और लकड़ी की जो कोठीर है उसके बनाए गए है, क्या ये वो है, कुछ खिड़की के शीशे और शायद एक वार्ता है, इसके छज्जे और चिमनियाँ और फर्श की टाइल और दीवार की ढकने का प्लास्टर और छाद और बहुत सारे दरवाजे भी यहाँ पे है। तो लॉट्स ऑफ डोर्स मीन्स बहुत सारे दरवाजा, और स्टाकू मीन्स यहाँ पे दीवार को ढकने के लिए प्लास्टर, स्टाकू मीनिंग्स दीवार को ढकने के लिए जो प्लास्टर है, स्टक्कू यहाँ पे देखा गया, स्टक्कू दीवार को ढकने के लिए जो प्लास्टर होता है। तो यहाँ पे देखिए ग्लास का शीशा, परहैप्स का मतलब शायद, परहैप्स शायद, और यट यट का मतलब हुआ था, और ईव्स का मतलब इच्छा, और ईव्स ईव्स मतलब छज्जा, और चिमनी का मतलब चिमनी जो धुआं सा, और टाइल जो पक्की मिट्टी के समतल और वर्गाकार कपड़ा, और टाइल फ्लोर का मतलब मंजिल, और स्टाकू का दीवार को ढकने के लिए जो प्लास्टर होता है, रूफ का मतलब छत, लॉर्ड्स ऑफ का मतलब बहुत सारे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टंजा में क्या बोला है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टंजा में दिया गया व्हाट इज अ होम, फिर भी क्वेश्चन किया है व्हाट इज अ होम। तो क्वेश्चन खुद को ही किया है और उन्होंने जवाब भी खुद ही देंगे। तो व्हाट इज अ होम, तो देखिए होम किससे कहता है, तो होम तो मतलब होता है कि घर, तो घर किससे कहता है, अ होम, व्हाट इज अ होम मतलब घर क्या है, घर किससे कहता है, इट्स अ लविंग एंड फैमिली, तो इट्स अ लविंग एंड फैमिली, ओके। तो घर किससे क्या होता है, ये स्नेहमयी और परिवार और दूसरे के लिए कुछ करना है, तो इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, इसका मतलब है कि दूसरे के लिए कुछ करना होता है। तो व्हाट इज़ अ होम, अ होम कैसा होता है ना, इट्स अ लविंग एंड फैमिली, यहाँ पे जो स्नेह रहता है और जो फैमिली में जो दूसरे आदमी जो फैमिली में रहता है, जो अदर सदस्य जो रहता है फैमिली में, उसके लिए कुछ करना होता है। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर मतलब इसमें भाई और बहन रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, भाई और बहन, एंड फादर्स एंड मदर,
मम्मी पापा भी रहता है एंड इट्स अनसेल्फिश एक्ट। और यहाँ पे क्या होता है, इसका निस्वार्थ कार्य होता है, निस्वार्थ कार्य और एंड काइंडली शेयरिंग और अनुग्रहपूर्वक हिस्सेदारी करना, अनुग्रहपूर्वक हिस्सेदारी करना एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग एंड इसको दिखाना भी है और आपको प्रयोजन का ये प्रदर्शित करना भी है कि आप हमेशा उन लोगों का ध्यान रखते हैं। तो ये भी आपको दिखाना है कि आप उन लोगों का हमेशा ध्यान रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कठिन शब्द दिया गया, होम का मतलब घर, अदर्स का मतलब जो अतिरिक्त और इनसे भिन्न, अनसर्विस का मतलब जो निस्वार्थ होता है, निस्वार्थ अर्थ, एक्ट मतलब कार्य, काइंडली का जो मीनिंग है दयाभाव से, और अनुग्रहपूर्वक शेयरिंग का मतलब है बांटना और हिस्सेदारी करना, केयरिंग का मतलब ध्यान रखना, किसी की देखभाल करना। तो व्हाट इज़ अ होम ना, इट्स अ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड फादर्स एंड मदर्स, इट्स अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, रिटन बाय लॉरेन एम हल्दी। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिया गया, देखिए मैं क्वेश्चन आंसर भी कर दिया। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ हाउस मेड ऑफ, ठीक है, एक मकान किससे बना होता है, ए मकान किससे बना होता है, ए हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक स्टोन्स वुड एंड ग्लास, एक मकान ईंट पत्थर लकड़ी और शीशे की बनाई होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इब्स, इब्स का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, द ओवर हैंगिंग लोअर एज ऑफ ए रूफ इज कॉल्ड इब्स। ओके, द ओवर हैंगिंग लोअर एज ऑफ ए रूफ इज कॉल्ड इब्स, छत का ऊपर में लटकता हुआ हिस्सा। व्हाट इज द यूज ऑफ चिमनी, चिमनी का उपयोग क्या होता है, द चिमनीज आर यूज टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द किचन, चिमनी का उपयोग क्या होता है, द चिमनीज आर यूज टू लेट आउट स्मोक फ्रॉम द किचन, ठीक है, किचन से धुआं निकलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेक ए सेंटेंस यूजिंग द वर्ड टाइल, टाइल शब्द का प्रयोग करके एक नया वाक्य बनाइए, द फ्लोर टाइल्स वेयर क्लीन अप, ओके, द फ्लोर टाइल्स वेयर क्लीन अप, द टाइल्स आर सेटल्ड इन ए क्लियर मैनर, द टाइल्स आर ब्रोकन, ओके, द टाइल्स आर ब्रोकन। नेक्स्ट, व्हाट इज अ होम मेड ऑफ, होम घर किससे बना होता है, ए होम इज मेड ऑफ लविंग फैमिलीज with elders and children, brothers and sister and caring, okay, what is the difference between a house and a home, एक हाउस एंड होम के साथ जो पृथक का डिफरेंस है, फर्क क्या होता है, a house is a concrete structure with life whereas a home is made of loving and caring and family members, okay. Next question, What do members of family live? How do members of family live? परिवार के जो लोग वो किस प्रकार से रहते हैं? तो देखिए, family members live peacefully. The members of the family live peacefully, having love and care for each other. And what is the meaning of unselfish? Unselfish का अर्थ क्या होता है? It means without any motive or self gain or self profit. So it means without any motive or self gain or self motive. Okay? तो देखिए, हमें पूरा जो कविता था उसको पढ़ा दिया, जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस था वो भी दे दिया आपको, आप लोगों को अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। और हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को बहुत सारे शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा और आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।